अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी स्पाइसी चटपटी पालक आलू गोश्त की सब्ज़ी, जो कि ब्रेकफास्ट में सभी को पराठे या गेहूं की रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है इसका कॉम्बिनेशन। तो चलिए इसको बना लेते हैं। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर लीजिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 250 ग्राम गोश्त। इसको अच्छे से वॉश करके डाल लीजिए। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच नमक डाल के अच्छे से मिक्स कीजिए गोश्त को गलाने के लिए। और इसके अंदर एक गिलास पानी ऐड कर लें गलने के लिए। अभी ढक्कन बंद करके आप हाई फ्लेम पे 6 से 8 सीटी ले लें गोश्त हमारा गलने तक। चलिए ढक्कन को बंद कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसके सीटी ले लेते हैं। तो देख सकते हैं हमारा गोश्त अच्छे से गल गया है। एयर को रिलीज़ कीजिए। अब गोश्त को हम चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गोश्त को चेक करके देखिए पीस एकदम आराम से टूट गया है। तो अच्छे से हमारा गोश्त गल चुका है। एक फ्राई पैन को हीट कर लें। 2 बड़े चम्मच तेल के डाल लें। तेल में यहाँ पे हम आलू एक बड़ा साइज़ का कट कर लें क्यूब शेप में और इसको अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करें। इस तरह आलू फ्राई करने से ऑयल में सब्ज़ी में आलू जल्दी गल जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा इसको गलने के लिए। तो माशाल्लाह हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से लाइट गोल्डन हो चुके हैं। तो अभी आप आराम से फ्लेम डो करके सारे पीसेस को निकाल लीजिए। उसी गरम ऑयल में एक बड़ी साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट करके ऐड कर लें और हाई टू मीडियम फ्लेम पर इसको लाइट गोल्डन होने तक अच्छे से सौते करें। प्याज हमारी लाइट गोल्डन हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस पॉइंट पे आप ऐड करिए 1 बड़ा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। हरी मिर्च के अंदर लहसुन की कलियां ऐड करके और थोड़ा सा नमक ऐड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। लहसुन ऐड करने से हरी मिर्च के पेस्ट में फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है सब्ज़ी में। आप ज़रूर इसको ट्राई करना। इसको भी अच्छे से कुछ सेकेंड्स के लिए फ्राई कर लें लो फ्लेम पर। इसके बाद इसके अंदर ऐड करिए 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर। इसको भी मिक्स कर लीजिए। फ्लेम को लो रखें आप मिलाते वक्त। यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं गला हुआ गोश्त और साथ में हम ऐड कर लेते हैं फ्राइड आलू। माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है। अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करके लो फ्लेम पर कुछ सेकेंड्स के लिए आलू और गोश्त को मसालों के साथ भूनते जाइए, तभी इसके अंदर अच्छा सा जायका आएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं 2 बंचेस पालक के ली हूँ। अच्छे से चॉप करके आप इसको अच्छे से वॉश करके ऐड करिए। पालक ऐड करने के बाद आप ढक्कन को 1 मिनट तक बंद कीजिए लो फ्लेम पे, तब आपकी पालक अच्छे से सेट हो जाएगी। आपको मिक्स करने के लिए आसानी होगी इस तरह से। अभी आप आसानी से पालक और गोश्त को मिला सकते हैं। देखिए आप इस तरह से स्लोली सब्ज़ी को मिला लीजिए। सब्ज़ी को ऐसे ही लो फ्लेम पे पकने के लिए रखें। तो अच्छे से मिक्स हो गई है। फिर से आप इसका ढक्कन बंद करके लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक सब्ज़ी को पकने के लिए रख दें। माशाल्लाह खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। 5 मिनट हो चुके हैं, हमारी पालक आलू गोश्त की रेसिपी बनके रेडी है। हल्का सा पानी इसका जो है वो ड्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो लिक्विड भी ऐसे ही रहने देंगे तो भी चलेगा। तो पानी ड्राई हो चुका है, तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं। ज़रूर आप मेरे तरीके से पालक आलू गोश्त की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट ज़रूर करिए ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन और अपडेट आप तक आती रहे। रेसिपी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग भी इसको ट्राई ज़रूर करें। थैंक यू।